क्या कारण भैया? वाह, इस बात के लिए वाह कर रहे हो देव? अच्छा, तो आप नहीं जानते कि मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं? हाँ, यही तो मैं जानना चाहता हूं। तो सुनिए, आपको बुआ जी के पास जाकर यह कहने की क्या जरूरत थी कि तुलसी भाभी ने पहले जानबूझकर अमेरिका की टिकट मंगवाई और उसके बाद उसे कैंसिल करवा दी? कि आप ये अच्छी तरह जानते हो कि बुआ जी तो बस ऐसे मौके ढूंढती रहती है जिस पर वो भाभी को शर्मिंदा महसूस करवा सके, सब लोगों के सामने भाभी की बेइज्जती कर सके। देव, मैंने बुआ जी को वही बताया जो सच था और उसके पीछे मेरा कोई गलत मकसद नहीं था। भैया, इसके पीछे आपका क्या मकसद था ये तो मैं नहीं जानता, लेकिन भाभी का मकसद सिर्फ इस घर की मर्यादा को बनाए रखना था। और इस घर की मर्यादा को अगर कोई भी तोड़ेगा तो मैं उसे नहीं छोड़ूंगा, फिर चाहे वो कोई भी, मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। इस पागल को ये जुबान कब से है? पहले तो सिर्फ तुलसी मेरे रास्ते का कांटा बनी हुई थी और अब ये दीवार बनकर खड़ा होना चाहता है। ये तुम क्या कह रही हो रत्ना? तुलसी ने जीजी के सामने अपनी हार मानी? और यही नहीं, उसे समीर की माँ कंचन से भी माफी मांगने को राजी हो गई है। ताज्जुब है रत्ना, जिस तुलसी को हम इतनी कोशिशों के बावजूद अपने काबू में नहीं रख सके, फिर जीजी ने उसकी ऐसी कौन सी नस दबा दी कि वो ये सब करने को राजी हो गई? अब जीजी ने कौन सी ऐसी नस दबा दी है इसका तो मुझे पता नहीं, लेकिन इतना जरूर पता है कि इन दोनों की लड़ाई से जिज्ञासा को फायदा जरूर हुआ है। जिज्ञासा को कैसा फायदा? यही कि वो किसी भी हालत में समीर से शादी करना चाहती थी, लेकिन तुलसी और जीजी की लड़ाई की वजह से जिज्ञासा की शादी मुश्किल में पड़ गई। अब जब तुलसी ने हार मान ही ली है तो जिज्ञासा की शादी भी जल्द से जल्द हो जाएगी। ठीक है रत्ना, जिज्ञासा की शादी हो जाए ये तो अच्छी बात है, लेकिन तुलसी ने जीजी के सामने इतनी जल्दी हार मान ली इसका मुझे यकीन नहीं होता। जिज्ञासा, कहाँ जा रही हूँ? करण भैया, वो मैं अपनी एक सहेली से मिलने जा रही हूँ उसके घर। क्यों, कोई बात है? नहीं, बात तो कुछ नहीं है, लेकिन इस घर में जो आज हुआ उसके बारे में तुम्हें तो पता चल ही चुका होगा। कौन सी बात करण भैया? अब जिज्ञासा, बात तुम्हारे बारे में है इसलिए तुम्हें तो पता चल ही चुका होगा, लेकिन हाँ, अगर नहीं पता है तो मैं तुम्हें बता देता हूँ। तुम्हारे रास्ते में, मतलब तुम्हारी खुशियों के रास्ते में जो दीवार थी वो अब गिर चुकी है। करण भैया, मैं अभी तक आपकी बात समझी। बात सीधी सी है जिज्ञासा, तुम्हारी और समीर की शादी में तुलसी की जिद दीवार बनकर खड़ी थी और आज ही मैंने सुना है कि तुलसी समीर की माँ से माफी मांगने के लिए तैयार हो। करण भैया, ये बात मुझे पता है क्योंकि भाभी मुझसे कहकर गई है कि वो मेरे लिए, मेरी खुशियों के लिए समीर की मम्मी से माफी मांगने के लिए तैयार है। तुम्हें क्या लगता है जिज्ञासा, कि वो तुलसी तुम्हारी खुशियों के लिए राजी हुई है? नहीं, बल्कि उसे तो अब ये लगने लगा है कि तुम्हारा घर बर्बाद करके उसका इस घर में रहना मुश्किल हो जाए। लेकिन जिज्ञासा, ये जो कुछ भी हुआ, तुम्हें तो तुलसी की इस हार पर खुशियां मनानी चाहिए। एक बात कहूं करण भैया, मुझे सनी से शादी करने की खुशी जरूर है, पर कभी भी मुझे तुलसी भाभी की हार पर कोई खुशी नहीं मिल सकती। ठीक है जिज्ञासा, जो तुम्हें लगता है वो तुम सोचो, लेकिन जो मुझे लगा वो मैंने तुम्हें बता दिया। तो अब मैं चलूं करण भैया? हाँ, जाओ।
और खुशियां मनाओ जिज्ञासा। बहुत दिनों बाद उस तुलसी के चेहरे पर हार का दर्द देखने को मिला, लेकिन मुझे खुशी नहीं हो रही, क्योंकि मुझे खुशी तो सिर्फ उस दिन होगी जिस दिन उस तुलसी का नाम हमेशा हमेशा के लिए इस दुनिया से मिट जाएगा। हेलो हेलो समीर जी। हाँ आप कौन? मैं कौन हूँ ये जानने की जरूरत नहीं है तुम्हें। हाँ अलबत्ता मैं जो कहने वाला हूँ उसे बहुत ही ध्यान से सुनना तुम। जिस रोज तुमने सोफिया का कत्ल किया था समीर, उस रोज सोफिया ने अपने घर में एक नहीं बल्कि दो कैमरे फिट किए थे। दो कैमरे? एक कैमरा तुम्हारे हाथ लग गया और तुमने उसे तोड़ दिया, लेकिन दूसरा कैमरा जो तुम्हारी नजरों से ओझल था उसने रिकॉर्ड कर लिया है समीर कि तुमने सोफिया का कत्ल किस तरह किया है। देखो मिस्टर, तुम कौन हो ये मैं नहीं जानता, मगर तुम्हारा इस तरीके से मुझसे घटिया मजाक करना तुम्हें महंगा पड़ सकता है। महंगा मुझे नहीं, महंगा तुम्हें पड़ेगा समीर, अगर ये टेप पुलिस के हाथ लग गया, समझ रहे हो तुम? इसीलिए मुझसे नाराज होने की कोई जरूरत नहीं है। तुम चाहते क्या हो? इस टेप की कीमत सिर्फ 5,00,000 रुपये है। अच्छा, तो तुम मुझे ब्लैकमेल कर रहे हो? मैं ब्लैकमेल नहीं कर रहा हूं समीर, मैं तुमसे उस टेप की कीमत मांग रहा हूं। तुम मुझे पैसा दे दोगे, मैं तुम्हें वो टेप दे दूंगा। दैट्स अ डील। बोलो पैसे कब और कहां चाहिए? खन्ना हाउस अंधेरी MIDC सीप्स में। मुझे उम्मीद है कि तुम समझ गए। ठीक है, मैं पैसे लेकर पहुंच जाऊंगा। क्या कहा उसने? कहना क्या अनु, उसे यकीन हो गया है कि अगर उस कमरे में एक कैमरा हो सकता है तो वहां दूसरा कैमरा भी हो सकता है। तो तुम्हें यकीन है कि वो यहाँ आएगा? अपनी जान बचाने के लिए वो यहाँ जरूर आएगा, लेकिन अनु अब मुझे तैयारी करनी होगी। हाँ तुम अपने घर में शादी की तैयारियां शुरू कर दो। हमने तुमसे कहा था कि तुलसी हमारे रास्ते में दीवार बनकर खड़ी जरूर हुई है, लेकिन ज्यादा दिनों तक ठहर नहीं सकेगी, और आज हमने इस बात को साबित भी कर दिया। तो क्या तुलसी समीर और जिज्ञासा की शादी के लिए राजी हो गई? सिर्फ शादी के लिए नहीं कंचन, वो तुमसे माफी मांगने के लिए भी तैयार हो गई है। तो इसका मतलब है कि अब समीर और जिज्ञासा की शादी में कोई रुकावट नहीं है? बिल्कुल कंचन, अब हमारी तरफ से कोई रुकावट नहीं है। एक बात और, हमने तुमसे जो वादा किया था उसे पूरा करने का वक्त आ गया है। बाय। मॉम। समीर बेटा, तेरे लिए खुशखबरी है, तेरी और जिज्ञासा की शादी के बीच में से तुलसी से हट गई है और वो हमसे माफी भी मांगने के लिए तैयार है। हाँ बेटा, अभी अभी नंदिनी का फोन आया था, उसने हमसे कहा कि तुम जल्दी से शादी की तैयारी करो। क्या हुआ बेटा? मैंने तुझे इतनी बड़ी खुशी की खबर सुनाई और तू खुश होने के बजाय खामोश है। हाँ मॉम, क्योंकि उस खुशी के साथ एक दुख की बात भी है। दुख की बात? वो क्या है? माँ, जिस दिन मैंने सोफिया का खून किया था उस दिन वहां पर एक कैमरा नहीं बल्कि दो दो कैमरे थे। दो कैमरे? हाँ मॉम, एक कैमरे को तो मैंने तोड़ दिया, पर वहां पर दूसरा कैमरा भी मौजूद था जिसे मैं देख नहीं पाया, और उसमें यह भी रिकॉर्ड हो गया कि मैंने सोफिया का खून किया है। लेकिन ये सब तुझसे किसने कहा?
उस शख्स ने जिसके पास वो टेप है। टेप है? लेकिन वो है कौन? ये तो मैं भी नहीं जानता मॉम। उसका मुझे फोन आया था और उसने मुझसे कहा कि अगर पुलिस से बचना चाहते हो और वो टेप वापस चाहते हो तो फौरन 5 लाख रुपए का इंतजाम करो। अब मॉम मुझे 5 लाख रुपए देकर उससे वो टेप वापस हासिल करना होगा। लेकिन बेटा 5 लाख रुपए कोई छोटी रकम नहीं होती है। और फिर इतनी जल्दी हम इसका इंतजाम कैसे कर सकते हैं? इसके लिए आप परेशान मत होइए मॉम, 5 लाख रुपए का इंतजाम मैं कर लूंगा। तुम कहां से करोगे बेटा? मॉम वो पैसा मैं करण से मांग लूंगा और मुझे यकीन है कि वो मुझे इनकार नहीं करेगा। माँ जिस दिन मैंने सोफिया का फोन किया था उस दिन वहां पर एक कैमरा नहीं बल्कि दो दो कैमरे थे और उसमें यह भी रिकॉर्ड हो गया कि मैंने सोफिया का फोन किया हेलो हेलो करण, करण मैं समीर बोल रहा हूँ। हाँ समीर बोलो। करण इस वक्त मैं एक बहुत बड़ी मुसीबत में फंस गया हूँ। मुसीबत? कैसी मुसीबत? करण मुझे इसी वक्त 5 लाख रुपए चाहिए। 5 लाख रुपए? हाँ करण, ओ काम ऐसा है जिसके लिए मॉम से भी पैसा नहीं मांग सकता, लेकिन हाँ ये पैसे मैं तुम्हें जल्दी ही वापस कर दूंगा। वो बात नहीं है समीर, मुझे तुझ पर पूरा भरोसा है यार। अगर तुझे 5 लाख रुपए चाहिए तो मैं अरेंज कर दूंगा। थैंक्स करण, मुझे पता था कि तुम मेरी मदद जरूर करोगे। अच्छा बताओ तुम इस वक्त कहाँ हो? मैं अभी घर पर ही जा रहा हूँ। तो ठीक है समीर, मैं अपने किसी आदमी को 5 लाख रुपए लेकर तुम्हारे घर पे भेजता हूँ। थैंक्स करण, थैंक यू सो वेरी मच। तुम नहीं जानते समीर तुमने मुझसे पैसा मांगकर मेरा कितना बड़ा काम किया है। अब मैं तुम्हें पैसा देकर हमेशा के लिए अपने कब्जे में कर लूंगा। हरती है।